नमस्कार, स्वागत है आपको इस चैनल में। आज बातचीत करते हैं एक ऐसे पिता और माता के दर्द को जो हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि उसके बेटे और बहू सुख संपत्ति से उसके घर में रहे, लेकिन एक ऐसा ही कहानी इन दोनों के बीच में है कि इनके पुत्र और पुत्र वधु के बीच बड़े शौक के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी किए थे, लेकिन मजहत कुछ महीने साथ रहने के बाद दोनों विगत कई वर्षों के बाद चलने के बाद लगभग 4 साल के बाद दोनों अलग हो गए पंचों के द्वारा और फिर पुनः दूसरी शादी कर दोनों पक्ष के पुरुष और महिला दोनों पक्ष ने अपने अपने जीवन में शादी किए और दोनों से बाल बच्चे हुए। लड़का पक्ष के भी या लड़की पक्ष दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पूरे ये जिंदगी में खुशहाल जिंदगी में एक बार पुनः करवट ली। पहली पत्नी ने पुनः अपने पुराने पति पे FIR दर्ज किया है, हक का बात हो रहा है। आइए पूरी रिपोर्ट जानेंगे। सबसे पहले माता पिता से जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? मिंता देवी जी, आप बताइए कि आप बाल बच्चा के शादी करीब कितना दिन पहले पहली बार किए थे? 4 वर्ष पहले। और पति पत्नी दोनों कितना दिन साथ में रहे? लगभग महीना दिन पहले। महीना दिन के बाद और दोनों का विवाद चलते रहा और लगभग कुछ दिनों के बाद है ना पंचों द्वारा यानी पंचायत के द्वारा दोनों का आवेदन भी है ना आप लोग के पास? आवेदन है स्वीकृति से, दोनों अपने मर्जी से दोनों अलग अलग हो गए थे, मर्जी से हो गए थे। उस समय कोई धन दौलत की बातचीत नहीं हुई थी? कोई बातचीत नहीं हुई थी। हाँ, आप दिखाने का काम करेंगे वो स्वीकृति पत्र जिस पे दोनों पति पत्नी इनके बेटे और बहू पहली बहू का जिस पे सिग्नेचर आप इस कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो इस पे सिग्नेचर है। उसके बाद जब अलग हो गए तो कोई भी पति पत्नी शादी होने के बाद आप अपने बेटी को पुनः शादी किए थे? हाँ, तो आपका बेटा क्या नाम है? चलिए, दूसरी बार शादी कहाँ की है? अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अब ये बताइए कि उसे कोई बाल बच्चा हुआ है? जी, अभी आप हिलसा के कोर्ट न्यायालय में खड़े हैं जहाँ पे आपकी यानी पुरानी यानी उनकी पहली पत्नी आपके बेटे की पहली पत्नी FIR दर्ज किया है और आपका बेटा यानी कहाँ बाढ़ थाना में केस हुआ है? बाढ़ थाना से केस हुआ है जो पहली पत्नी थी आपकी बेटे की, केस किया है और उसके द्वारा मतलब आपके कराई थाना में घर पड़ता है, कराई थाने में घर पड़ता है। तो आपको कैसे जानकारी मिला कि FIR हुआ? कराई थाना आपको बेटे को उठा लिया घर में रात को 8-9 बजे? तो वो जानकारी मिला कि उसकी पहली पत्नी केस की थी? हाँ, क्या केस की थी? धन के लिए, हिस्से की मांग कर रही है। चलिए, अब हम हिलसा कोर्ट बिहार नाले में है जहाँ पे यहाँ इनके वकील से बातचीत करेंगे। आप बताइए, इस मामले में आप पूरे छानबीन कर रहे हैं और इनका न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या इस पे है आपका? शादी कर लेने के बाद जो पंचायती हुआ, पंचायती का कागजात है जो कि थाना प्रभारी को दिखाया गया, कराए थाना प्रभारी को, लेकिन परंतु उन्होंने कुछ नहीं सुना, कहा कि बोल बाढ़ थाने का संबंध में है इसलिए बाढ़ थाना ही कुछ करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते इनके बचावा के लिए SP DSP IG वगैरह के यहाँ आवेदन इन लोग देने के लिए कहे, वही आवेदन हम इनके बचावा के लिए दे रहे हैं। और जो प्रूफ है शादी का से शादी से अलग होने का जो प्रूफ है उसके आधार पर हमने कागजात इनको तैयार करवा करके है जो कि फैक्स के माध्यम से हम भेज रहे हैं। इस पर प्रूफ भी जो टिपा वाला कागज वगैरह है, पंचायती का कागजात वगैरह हुआ, सब हम भेज रहे हैं।